लिलिक पसंद है इसको बहुत ज्यादा। स्नोमैन उसको बोलता था कि मेरी थोड़ी सी इज्जत है, तुम बिलो में रहने और ये क्या कहता था कि ना ये तू जा रही है। हेलो भाई, मैं आने वाले टाइम में सेम ऐसा ही मैं भी बनाऊंगा। हाँ जी और अब तू बड़ा भाई बनने वाला है, तुझे तरीके से रहना है, सुन रहा है तू? अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइयो, समझाओ मम्मी से। समझाओ पापा थोरू को, अच्छी तरीके से रखेगा थोरू अपनी बहन को। छोटी बहन से चिढ़ना नहीं है, जैसे मानो चिढ़ती है तेरे से। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज का ब्लॉग धमाकेदार क्यों हो रहा है बताऊं? क्योंकि थोर की छोटी बहन आ रही है। आज हम कीटन लेने जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, पापा मैं और मानू। पापा का देखो ड्रेस अप। चल बाय। तो हम पहुंच गए भाई जहां में आना था, कीटन्स लेने हमने, एक लेने पर हमने देख ले पते। और मैं इतना एक्साइटेड क्यों, क्योंकि मैं पहले अंदर था और अंदर से बाहर आया, फिर याद आया मुझे ब्लॉग शूट करना था। मैं इतना घोल मिल गया था इन चीजों के अंदर, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो आपको दिखाते हैं। और मानू डो नहीं रहा, कैसा लगा मानू? पापा पहले ही अंदर बैठे हैं। हेलो मैम, आपने पहले व्लॉग में देखा होगा मैम को पुलकित भाई के चैनल पे, बट अब हमारे चैनल पे आ गए क्योंकि अब हमने कुछ लेना था मैम से, तो क्यों ना। और पापा यहाँ बैठे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था हम पहले बाहर थे, मैं अंदर आ गए थे और उसके बाद वापस शूट कर रहे हैं। ये एक क्यूटी सी न्यू फैमिली मेंबर है, शुगर। ये अपने लास्ट व्लॉग में नहीं देखी थी। अच्छा, ये एक्सक्लूसिवली हमारे व्लॉग में है। ये एक्सक्लूसिवली आपके व्लॉग में से है शुगर। हाय। और ये देखो ये नीचे। हेलो शेजू। हेलो, कितने प्यारे प्यारे। मानू अपना सुविचार अभी दे दे, जल्दी दे। मैं बताती हूँ, आप लोग है ना घर में पेट्स रखो, जितने रख सको। एक्चुअली मैम हमारे व्लॉग में, मानू हर व्लॉग में सुविचार देती है, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी डिमांड पे, तो इसका सुविचार चलना जरूरी है पहले। और पापा जी क्या कहोगे? भाई मैं आने वाले टाइम में सेम ऐसा ही नहीं बनाऊंगा। लो भाई, पापा ने कमिटमेंट कर दिया है तो बस अब हो गया, अब कोई टेंशन ही नहीं। मम्मी आप देख रहे हो ना व्लॉग। सबसे अच्छी बात ये है, गाइड जो मैंने गाइड में से लेनी है मैम से ले रहा हूं। हां हां, ये देखो, मोस्ट वेलकम। ये देखो भाई, एक प्यारा सा बच्चा, एक गोल्डन रिट्रीवर है। सबसे अच्छी बात है कि ये जितने प्यारे प्यारे, ये फैमिली भी बहुत अच्छी है। ये देखो, ये देख लो भाई कितने प्यारे। चलो आगे चलते हैं। अब हम आपको लास्ट में तो किटन्स दिखाएंगे, पर पहले आपको सारे एनिमल्स दिखाते हैं, मैम के पेट्स, सॉरी बच्चे। बच्चे सो इगुआनास। इगुआनास इसका नेम इगु। ओके, मानू को पकड़ाओ मैम। मानू टच कर लो आप, मुंह आगे से नहीं। मैम इसके ऊपर रख दो ना। मानू कैसा लग रहा है? मानू एक बार और पोज। ये मानू डरता नहीं है। इसकी तो मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, अब देखो। मानू खिला रही है अब, नहीं डर मत मानू, कुछ नहीं करेगा ये। पापा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है यार। ले लेक। ले ले पसंद है इसको बहुत ज्यादा। टाउन में हमारे यहाँ पे एक पेट शॉप है, ठीक है। वहाँ पे जब लॉकडाउन हुआ था प्रॉपर, तो वहाँ पे ये बच्चे स्टक हो गए थे, ठीक है। कोई भी आ नहीं पा रहा था, तो इनके ओनर से मैंने उस शॉप के ओनर से बात की थी कि आपके पास जो बर्ड्स हैं जितने भी हैं, ठीक है। दैट टाइम मेरे पास 9 पेयर्स आए थे,
कुछ पेयर्स मेरे पेरेंट्स के यहाँ जा चुके हैं, वो वहाँ पे हैं, कुछ मेरे पास हैं, मतलब हमने एक तरह से इनको रेस्क्यू किया। ठीक, ये बजीज हैं और ये कॉकटेल है। मैम मेरे पास लवबर्ड्स थे एक पेयर और उन्होंने ऐसे ही, मैंने उनके लिए घर बना दिया था। ये ऐसा ही केस था, उसमें उन्होंने एग्स भी दिए थे। हाँ, अभी तक मेरे बच्चे ब्रीड नहीं हुए। अच्छा, ये अपने आप ही कर लेंगे। हाँ, इनको इनको कोई जरूरत ही नहीं है। बजीज तो ये अपने आप ही कॉलोनी बहुत बड़े बना लेते हैं। तो मैम आप किस से मिला रहे हो हमें ये बताओ। आज हम अपने न्यू फैमिली मेंबर्स, जो कि हमारी स्मूदी फीमेल है शिज्जू, उसने अभी डिलीवर हुई है 1 वीक पहले। ओके, तो उसके पापा से मिलाने वाले हैं। लास्ट ब्लॉग में रिपंजल के बेबीज थे, अभी स्मूदी के बेबीज हैं, तो उनसे मिलाते हैं। आप चलो, ये आप देख सकते हो स्मूदी को, आपने देखा था पिछले ब्लॉग में। हाँ जी, ये अभी इसके पप्स हैं। अब ये छोटे बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, जस्ट 1 वीक के बेबीज हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि मैम ने मतलब अपने बच्चों की तरह रखे हुए हैं, कोई ब्रीडिंग पर्पस नहीं है बिल्कुल भी, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि भाई मैंने आगे देखा और पापा की आपने बात सुन भी ली है। ये बस ये समझ लो अपने बच्चे रख रखे इन्होंने, और अब वो रहेंगे तो बच्चे भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये नेचुरल प्रोसेस है, तो इसलिए इन्होंने रखे हुए। भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही रखा करो यार आप लोग। ये व्लॉग मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ कि आप वीडियो देखोगे तो आप लोग भी अपने बच्चे ऐसे ही रखना। मनु किसके साथ खेल रहे हो तुम? रिपांजल से। मेरे ना डिज्नी फेवरेट डिज्नी प्रिंसेस भी रिपांजल ही है। तो ये देखो सामने आ गई है। देखो कितनी अच्छी तरीके से खेल रहे हैं, और जस्ट अभी अभी मिले हम। ये आपका साऊ बच्चा? साऊ बच्चा है। साऊ बच्चे का नाम क्या है? नाम क्या, क्या नाम है? शुगर। और अगर मम्मा शुगर मांगेगी तो क्या, मम्मा को शुगर चाहिए होगा तो क्या बोलना है? मैं को बोलता हूँ मम्मा आपने इसका नेम शुगर रखा है, तो जब आपको शुगर चाहिए होगी तो कौन सी वाली शुगर लेके आनी है, ये वाली शुगर या शुगर वाली शुगर? तो अब हमने डिसाइड किया कि जब शुगर चाहिए होगी तो हम बोलेंगे हमें गुड़ चाहिए। मैंने ये बनाया कि अगर मम्मा को शुगर चाहिए और हमारे पास गुड़ भी है, मम्मा क्या मांगे? शुगर, शुगर, गुड़, क्या मांगी है? मम्मा शुगर ही मांगी है। सही बात है। हमें मानो किसको पकड़ रखे तुमने? जैक को पकड़ रखे। कमेंट सेक्शन में बताना भाई जिसको नाम याद है उसका। वो ऐसे बोलता था, ये स्नो बेल था ना, स्नो बेल, उसको बोलता था कि मेरी थोड़ी सी इज्जत है तुम बिलो में रहने। और ये क्या कहता था कि ये तो दादा था उनका, इसको बहुत आदत है कि मैं मेरे अंडर कंट्रोल रहे सारी कैट्स। जो भी नई कैट आती है कई बार हमसे, लाइक अगर हमसे कोई कैट मैनेज नहीं होती तो फिर ये कमांड लीड लेता है। ठीक है, मेरे को हैंडल दो जी। हाँ, मैं सेटल करके देता हूँ। सीरियसली ये बहुत अच्छा मैनेज कर लेता है। अरे इनमें वो लोयंस वाला सीन होता है, इनमें होता है, दो मेल्स रख पाने तो बहुत टफ हो जाते हैं। देख लो, इतनी इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलनी थी आपको, ठीक है ना? देख लो, मानू डॉन का ज्ञान और मैम का ज्ञान। और तू इनकी स्पेस में क्यों बैठी है पहले ये बता रहे हो? तेरे को हर जगह घुसना होता है, हर जगह घुसना होता है। अच्छा अच्छा, और इनको भी एक्सप्लोर करना पसंद है वैसे। कैसे, ओ ये देख क्या कर रही है, खेलने लग रहे थे। कितने प्यारे होते हैं यार, हद से ज्यादा प्यारे हैं। हेलो जैक, ये वो सारे किटन्स हैं जिसमें से आप जैक में कंफ्यूज होने वाले हो। एक और कहां गया? एक वो अंदर ही है। अच्छा, एक और है वो पीएस जैक। इनका फादर जैक है, इनका फादर जैक है, मदर दोनों की अलग अलग है। ये आ गया एक और। अब भाई एक सेकंड में व्लॉग की एंडिंग करता हूँ। ये व्लॉग ना, ये बच्चे नेक्स्ट व्लॉग में देखना, 2 घंटे बाद व्लॉग आएगा, ठीक है?